मोतिहारी पुलिस को आज उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब गोविंदगंज थाना इलाका क्षेत्र में अपराध की योजना बनाते 7 अपराधियों को असलहों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाली यह खबर सामने आई कि हरसिद्धि थाना के चौकीदार और उसके भाई की भी अपराधियों के साथ मिलीभगत है। चौकीदार फिलहाल फरार है लेकिन भाई की गिरफ्तारी हो चुकी है। छात्रा के साथ छेड़खानी और यौन प्रताड़ना का मामला सामने आया था एक विद्यालय के संचालक के द्वारा, उसमें प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है और उसमें से एक नामजद अभियुक्त जो संचालक की बहन है उनको अरेस्ट किया जा चुका है। संचालक अभी फरार है, हम लोग जल्द ही उसको भी अरेस्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मुफस्सिल थाने की पुलिस ने भी एक CSP लूटकांड की योजना बनाते हुए कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अपराधकर्मी CSP संचालक से पैसा लूटने के लिए आए हुए हैं। ये 3 अपराधकर्मी थे जो कि मधुबन थाना क्षेत्र के निवासी हैं। इन तीनों को मुफस्सिल थाना अध्यक्ष और तकनीकी सेल के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। उनके पास से एक पिस्टल, 4 गोली, मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल बरामद किया गया। मोतिहारी पुलिस की यह तत्परता ने आज जिले को 2 बड़ी लूटकांड से बचा लिया, जो निश्चित ही सराहनीय कदम है, जरूरत है और तत्पर रहने की। लाइव इंडिया के लिए मोतिहारी से अरुण कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट।